नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर से श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम हाजिर हैं करियर काउच पर शुभांकर भट्टाचार्य। यह दोस्तों ICSE और ISC के रिजल्ट्स निकल चुके हैं और शायद CBSE इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आज ही के दिन निकलना है। लेकिन दोस्तों अभी तक हम लोग को ये नहीं पता कि आखिर सरकार ने तरीका क्या अपनाया, और यही चीज जानने के लिए कि आखिर बच्चों को जो मार्क्स दिए जा रहे हैं उसके पीछे मेथोडोलॉजी क्या है, क्या साइंस, क्या गणित बैठाई गई है इसके पीछे। तो इन कुछ प्रश्नों को जानने के लिए हम मिलते हैं मिसेस कल्पना सिंह से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ ICSE एंड ISC स्कूल्स इन UP एंड उत्तराखंड। तो कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत प्राइम TV पर आपका। धन्यवाद। ICSE और ISC के रिजल्ट्स निकल चुके हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, सारे बच्चे पास हो चुके हैं, कोई दुखी नहीं होगा। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे थे, उनको कुछ शिकायतें शायद उनके दिल में रह गई। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौन सा गणित, वो कौन सा साइंस निकाला गया जिसके थ्रू से ये मार्क्स उनको मिले। तो क्या आप इसके ऊपर कुछ बता सकते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये तो हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था। ये तो एक ऐतिहासिक घटना हो गई है कि इस पैंडमिक की वजह से हम लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार, मतलब अगर हम अपने आप को देखें तो शायद इतने वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने ये देखा है कि बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए, और उसके बिना भी रिज़ल्ट निकालने के लिए लोग मजबूर हुए कि कैसे रिज़ल्ट निकाला जाए। तो अब इसमें ये ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात कोई चीज़ हो गई हो, इस पर बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, बहुत डिस्कशंस हुए, और कई बार ऐसा हुआ कि जो हम लोगों के CEO हैं सिस्की बोर्ड के, ICSE बोर्ड के, मिस्टर जेरी आरथून, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स ली, अपने स्टाफ के साथ ली, प्रिंसिपल्स के साथ ली, कोऑर्डिनेटर्स के साथ ली, और बहुत बार हम लोगों ने बहुत वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड की जिसमें हम लोगों से भी ये राय मशवरा किया गया कि हम लोग किस तरह से अपने रिज़ल्ट को निकालें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से बच्चों को सेटिस्फाई कर सकें। अब ये तो हम लोगों को मालूम है कि पिछले वर्ष भी ऐसे ही जाने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चलते रहे, बच्चों ने बहुत सफ़र किया था, लेकिन फिर भी बार बार जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ जो निष्कर्ष निकला, ये निकला कि हम लोगों ने जो रेगुलर असेसमेंट किए हैं, ये हम लोगों को मालूम है कि हर स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट हम लोगों के हुए, और पिछले वर्ष नवंबर ऑनवर्ड्स बच्चे आने लगे तो ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गए, और बहुत से स्कूलों ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, एनुअल एग्जामिनेशंस ऑफलाइन भी किए। तो वैसे भी ये ICSE बोर्ड हम लोगों को इतनी प्रिविलेज देता है और ट्रस्ट हम लोगों पे, प्रिंसिपल्स पे रखता है कि हम लोग जो भी करेंगे वो एक साथ में मिलके करेंगे, बोर्ड एक अलग आइडेंटिटी नहीं है। तो उस लिए हम लोगों को बार बार ये मांगा गया कि हम लोग सारे रिजल्ट्स दें, और खाली इंटरनल रिज़ल्ट एक ज़रिया नहीं बना ये निकालने का। इसमें जब ये कंसर्न कई सारे प्रिंसिपल्स की तरफ से आया कि हम लोगों के इंटरनल मार्क्स हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट होके देते हैं, तो बोर्ड ने उसको भी ध्यान में रखा, और साथ में जो असेसमेंट हुआ वो इस तरह से हुआ कि पिछले 5 वर्षों में एक स्कूल ने क्या बोर्ड रिजल्ट दिया, उसको एक बहुत बड़ा इन लोगों ने अपना एक प्लान बना के रखा कि उसके ज़रिए वो लोग उस रिज़ल्ट को बेस करेंगे, प्लस इंटरनल मार्क्स। तो इसके लिए खाली प्रिंसिपल से तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग और सजेशंस आ गए, बट इनकी टेक्निकल टीम बहुत इस पे इन्होंने दिनों रात वर्क किया है, और तभी आप देखिए ये लोग सबसे पहले हमारा ICSE बोर्ड ये एक निकाल के ले आया तरीका, फुल प्रूफ तरीका। अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि इम्तहान नहीं हुए, क्योंकि हमारे सामने कोई मार्क्स नहीं है, तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं हार्ट बर्निंग ज़रूर हुई है। अच्छे बच्चों को लगा कि एवरेज बच्चा भी अच्छा कर ले गया, और ये भी है कि बोर्ड ने ये कोशिश ज़रूर की है कि किसी भी तरह से कोई बच्चा हतोत्साहित नहीं हो, तो मार्क्स थोड़ा एलिवेटेड ज़रूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे थे, जिनको लगता था कि शायद अगर हमने एग्ज़ाम दिया होता तो हम इससे बेटर कर सकते थे, वहाँ पर ज़रूर ये हुआ है कि बच्चे एक तरह से समझिए कि उनका उत्साह बिल्कुल ठंडा हो गया है। बिल्कुल सही। और एक अनसर्टेनिटी होने की वजह से ये भी हुआ है कि बच्चे इस चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड नहीं थे। बच्चों को क्या कहें, शायद टीचर्स और हम लोग भी एज अ स्कूल, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और या टेंस नहीं थे इस रिज़ल्ट को लेके।
कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो जैसे और बार होता था कि हम लोग बहुत नर्वस हो जाते थे, बच्चे नर्वस हो जाते थे, स्कूल में पेरेंट्स और बच्चों का घेरा लग जाता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रही। मैम एक चीज और पूछना चाहूंगा, हम लोग चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं और पता नहीं मिशन मंगल और सारी चीजें हो रही है, तो क्या एक हाई स्कूल का सिंपल एग्जामिनेशन कराना इतना मुश्किल था? ऑनलाइन की व्यवस्थाएं होती हैं, अब तो कहा जाता है, हम लोग क्लेम करते हैं, गवर्नमेंट भी क्लेम करती है कि हम लोग रूरल एरियाज तक कंप्यूटर पहुंचा दिया है, आंगनबाड़ी में हमारे सेट्स लगे पड़े हुए हैं, तो फिर क्या हम लोग एक ऑर्गेनाइज ढंग से एक एग्जामिनेशन नहीं करा सकते? क्योंकि कोरोना अभी रहने वाला है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल कोरोना नहीं रहेगा, तो क्या ये बारंबार यही होता रहेगा? क्या ये सिलसिला अब बना रहेगा कि अब एग्जामिनेशन ही खत्म हो जाए? खैर इसमें हम तो ये कहेंगे लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन हाँ जब इसका एक तरीका निकाला गया है कि हम लोगों ने किस तरह से हम लोग रिजल्ट निकाल सकें, तो आई एम श्योर आगे ये भी तरीका, और इस पर सरकार भी लगी होगी और बोर्ड भी सब लगे होंगे कि अगर ऐसी नौबत दोबारा आती है तो हम लोग क्या तरीका ऐसा अपनाएं जिससे कि हम एक बहुत ही सही तरह से रिजल्ट निकाल के ले आ पाएं। तो आई एम श्योर इस पे वर्क तो हो रहा होगा, पर अगर हम ये बात कहते हैं कि रूरल एरियाज़ में बहुत कुछ फैसिलिटी दे दी गई है, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा तो सच्चाई नहीं है, क्योंकि इस बार भी हम लोगों ने देखा, इवन ICSE स्कूल्स की हम बात करें जो कि मोस्टली शहरों में हैं या सबर्ब्स में हैं, तो बहुत सारे सबर्ब स्कूल्स हम लोगों से जो कनेक्टेड हैं हम लोगों के बोर्ड से, वहाँ पर प्रिंसिपल्स बहुत परेशान थे कि बच्चों के यहाँ ढंग का मोबाइल ही नहीं है, कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो इनफैक्ट उन स्कूल्स में भी कनेक्टिविटी नहीं थी जो थोड़े रिमोट में हम लोगों के ICSE स्कूल्स हैं, तो ये कंसर्न तो था। ये बात तो हम लोगों ने जो हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो लखनऊ में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की, बट आप उन बच्चों का सोचिए जो सबर्ब में थे जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, उनकी तो 6 महीने कोई ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल पाई, उन बच्चों ने कैसे 2-3 महीने की पढ़ाई पे जो भी रिजल्ट हुए वो कैसे दिया? तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें तो हैं जिसमें, इसीलिए शायद बच्चों में एक जो उत्साह और सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो नहीं है। माफ़ करिएगा मैम, आपने शायद मुझे थोड़ा मुस्कुराते देखा, तो मेरी मुस्कुराहट इसलिए छूट गई क्योंकि आपने कहा कि सबर्ब्स में प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पाई, जबकि जिस प्रकार के न्यूज़ हम लोग के पास आ रही थी वो कुछ ऐसे थे कि हमारे अर्बन एरियाज़ में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कॉन्वेंट स्कूल्स ने, उन्होंने अपने यहाँ पे आज तक एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं कराई। तो बात हम यहाँ पे जब करते हैं सिस्टम की, सिस्टम बनाने वाले कौन है? आप और हम ही लोग हैं। तो आप मुझे जरा बताएं कि एजुकेशन को क्या हम लोग सब मिलके ये आगे बढ़ा रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं पीछे चले जा रहे हैं? देखिए ये तो बात सच है कि हम लोग कहीं प्रिपेयर्ड नहीं थे इन सब चीजों के लिए, ये एक इतनी बड़ी विपत्ति जो हम लोगों के ऊपर आई, हम लोग उस बात के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, और हम लोगों को प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, और शायद अब आगे सब लोग इस बात के लिए ध्यान देंगे। जो बहुत नामी स्कूल्स हैं उसमें ये भी होता है कि शायद वो अपने पुराने नाम पे चल रहे हैं, उनको पता है कि हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स कैपेबल हैं कि अगर हमने उनको मॉड्यूल्स दे दिए और हमने उनको बता दिया ये सिलेबस है तो वो उसको समझा ले जाएंगे, बट ऐसा एक बहुत हमारे ख्याल से छोटा सेक्शन था, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम लखनऊ ही शहर की बात करें जहाँ कनेक्टिविटी इश्यूज शायद उतने ज़्यादा नहीं हैं, हर स्कूल और हर टीचर ने जी जान अपनी कोशिश की कि वो लोग अच्छे से अच्छे तरह से रीच आउट करें स्टूडेंट्स को, और हर जगह हम लोगों ने देखा टीचिंग कम्युनिटी को शायद उतना हम लोगों ने रिकग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन टीचिंग कम्युनिटी में वो लोग थे जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं थी मगर उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आगे बढ़ के आए ताकि वो बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन बना सकें। वो तो ऑब्वियस है कि ऑनलाइन ऑफलाइन को आप कंपेयर नहीं। अब एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर ये निकल के आई है जो एक बहुत बड़ा एक डिबेट चलता था कि एक टाइम वो आएगा जब आप केवल टेक्निकल उससे क्लासेस ले लेंगे, टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज कम से कम हर पेरेंट हर बच्चा ये जानता है कि टीचर के बिना क्लास नहीं चल सकता। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, और मैं एक बात और मैं बताऊं कि मैंने कई स्कूल्स कॉलेजेस और कई टीचर्स को देखा है जिन्होंने थ्रू आउट पूरे कोरोना टाइम में, मैं उनको कोरोना वॉरियर के ही लेवल में लाता हूं, उन्होंने बहुत मेहनत की शिक्षा को बनाए रखने के लिए, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, मैं मानता हूं। लेकिन मैम एक और बात है, इन सब बातों के बावजूद एक बहुत अहम प्रश्न उठता है
क्या हमारे पास ये सिस्टम मौजूदा हालात में है कि हम आगे चल के व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बताया कि हम लोग पिछले 4-5 साल तक बच्चों के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको भी उन्होंने कंसीडर किया। स्कूल तो हर कोई चाहेगा कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं वो बायस भी सामने आएगा। जो पावरफुल स्कूल्स हैं जिनका अपनी पोजीशन, मतलब कहते हैं ना कि अब तो हर बात में मार्केट की बात हो जाती है, तो जहां एजुकेशन मार्केट में उनका दबाव ज्यादा होगा वो अपना रिजल्ट अच्छा करा ले जाएंगे, तो फिर कॉम्पिटिटिवनेस का क्या होगा? बोर्ड में तो मुझे नहीं लगता है कि उनका इस तरह से जो जिनका दबाव बनता है वहां पर अप्रोच है। जब हमने 5 साल की बात कही तो हमारा मकसद ये था, मतलब ये बताने का कि वो 5 साल बोर्ड के रिजल्ट, जहाँ पर उन स्कूल्स का कोई रोल नहीं था जी। जो सीईओ ने कहा, उन्होंने ये कहा कि हम 4-5 साल पुराने जो आईसीएसई आईएससी बोर्ड रिजल्ट्स हैं हम उनको दिमाग में रख के वो बनाएंगे। तो एक लेवल स्कूल का सेट हो जाता है कि ठीक है पिछले 4 सालों से इनका रिजल्ट ऐसा आया है, इनके 80 से 90 के बीच में इतने बच्चे आए, 90 से 100 के बीच में इतने बच्चे आए हैं और एवरेज इतना लौट आया है, वो उसका एक रेशियो निकाला गया है। और उसी तरह से हम लोगों से मांगा भी गया था कि आपके इस रेंज में कितने बच्चे इस रेंज में, और उन्होंने भी अपना जो रिजल्ट लिया है वो इसी हिसाब से लिया है, तब वो रेशियो निकाल के उन लोगों ने रिजल्ट बनाया है। इट्स नॉट इंटरनल होम एग्जामिनेशन, होम तो लिया ही है, बट साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रेशियो है कि उनके इस रेंज में कितने, नहीं हम बोर्ड जो पिछले 4-5 साल के पुराने स्कूल के बोर्ड रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, उस स्कूल का उन्होंने रेशियो निकाल लिया कि कितने बच्चे या इनका एक जनरल रिजल्ट कैसा रहा पिछले 4 वर्षों में 5 वर्षों में हिसाब से उस बच्चे का। हाँ, तो इसीलिए हमने कहा कि कुछ इंडिविजुअल बच्चों की हार्ड बर्निंग तो रही है और वो भी बेटर वंस की रही है, क्योंकि जिनको शायद एग्जाम देने से कोई भय नहीं था। एक बहुत बड़ा चीज़ जो सामने आया है इसमें, वो एक जो हम लोगों के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है कि जो एवरेज बच्चा था शायद वो और ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाएगा इसमें, क्योंकि उसको मार्क्स इतने बढ़ के मिल गए हैं कि उसको अब ये लगेगा कि जिंदगी शायद इतनी आसान है, खेलते कूदते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैम, ये आपने बहुत सही कहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको पता नहीं काउंटर हम लोग करेंगे कैसे। एग्जैक्टली। अगला जो प्रश्न है मैम, वो थोड़ा सा मैं ले जाऊंगा कि गवर्नमेंट और कॉलेज के बीच में, अब तक था स्टूडेंट सेंट्रिक, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस समय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ किस प्रकार का एक ब्रिजिंग कर रही है कि जिसमें आगे चल के, क्योंकि अब तो कोरोना का एक डेल्टा वेरिएंट भी आ रहा है और वो कब तक चलेगा पता नहीं, और वो डायरेक्टली बच्चों को इम्पैक्ट करने की जो अंदेशा जो दिख रहा है, लोग डरे हुए हैं इन हालातों में, तो फिर मैम ये जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये सब जो पूरा जो तैयार है, तो ये ऑफलाइन मोड तो शुरू होते नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस चलेंगे कैसे, ये कंसर्न को एड्रेस फाइनली हम लोग कैसे कर पाएंगे इन केस चीजें वैसी रहती हैं। हम तो मानेंगे कि भाई सब ठीक हो जाए, लेकिन अगर ऐसा चलता रहता है तो क्या लोड, क्योंकि फीस पर तो अभी भी बिल्डिंग का भी लोड है, आपके इलेक्ट्रिसिटी का भी लोड है, जो रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस है उसका लोड है, और ये भी है कि पेरेंट देने की पोजीशन में नहीं है, जिसको स्कूल्स भी सफर कर रहे हैं, पेरेंट्स भी सफर कर रहे हैं कि वो किस किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, वो भी इसी उम्मीद में लेके मैनेज कर रहे हैं कि शायद कल को स्कूल खुलेगा, सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। इसको बैलेंस कैसे करेंगे मैम, व्हाट इज, आपको क्या लगता है कि अगर आपसे अगर पूछा जाए तो व्हाट्स योर आईडिया अबाउट बैलेंस? देखिए हम लोग तो यही कर सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो शायद हमको अपने ऑनलाइन क्लासेस और ज्यादा इक्विप करने पड़ेंगे, हमको एक एक बच्चे से और पेरेंट्स से एक तालमेल बना के, जो अभी भी हम देख रहे हैं, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि स्कूल में यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि बच्चों को अब क्योंकि कनेक्टिविटी ज़्यादा पेरेंट्स के साथ हो गई, बच्चों के साथ हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट भी मिल रहा है कि पेरेंट रात को भी अगर किसी चीज़ से अपसेट होता है तो वो तुरंत कॉल कर लेता है, या टीचर को लगता है कि बच्चा ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहा है तो वो कनेक्टेड है पेरेंट्स से, वो तुरंत कॉल करते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम हो रही है, आपका बच्चे ने ये काम नहीं किया या क्लासेस नहीं हुए, तो वो कनेक्टिविटी अगर देखिए हम करना चाहें और जिसमें हमारी टीचिंग कम्युनिटी उठ के आई है, तो वो पॉसिबल है कि प्रॉब्लम्स तो हर जगह हर सिचुएशन में आती, हम कैसे उस प्रॉब्लम को लड़ेंगे कि हम हार मान के बैठ जाएंगे, हम लोग को हार मान के तो बैठना नहीं, बिल्कुल सही बात, हमको उस सिचुएशन में जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो करना है, बिल्कुल सही बात। मैम आइए, वक्त आ चला है कि अब हम कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। दोस्तों अभी हमारे साथ लाइन पे है प्रीतिश भट्टाचार्य जी, ये MET स्कूल से हैं और ये प्रश्न पूछना चाहते हैं मिसेस कल्पना सिंह से। जी प्रीतिश, प्रश्न पूछिए अपना। प्रीतिश भट्टाचार्य, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 साइंस एट MET इंटरनेशनल स्कूल। माय क्वेश्चन इज कंसर्निंग द कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स इन 2021
ड्यू टू दी COVID-19 पैंडेमिक हाउ विल दिस कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स हैव एन इफेक्ट ऑन माई फ्यूचर थैंक यू जी मैम देखिए जो बात निकल के आ रही थी हम लोग शायद इसी पर चर्चा भी कर रहे थे बच्चे इसी बात से घबरा रहे कि आज से 5 साल बाद जो हाई स्कूल के जो बच्चा जिसने आज 10th दिया है आज ICSE में अपीयर किया है आज से 5 साल बाद ग्रेजुएशन के समय ग्रेजुएशन के बाद जब वो करियर स्टार्ट कर रहा होगा तब उसे एक बार सवाल पूछा जाएगा कि आपके 10th के मार्क्स ऐसे क्यों थे हो सकता है बच्चा बहुत अच्छा रहा हो वो कहीं पे 99% कर सकता था उसको शायद 90% से ही नवाजा गया है तो इन बच्चों के क्या करियर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा पहले हम आपकी इस बात का थोड़ा सा जवाब देना चाहेंगे जो आपने कहा 95% रहा होगा शायद 90 मिले होंगे उसको तो इसमें ये स्कोप बोर्ड ने खुला रखा है कि आप अपनी जो भी डिस्प्यूट है उसको आप भर के भेजिए और बोर्ड उस पर अपना फिर से एक नज़रिया मतलब एक फिर से उसको रिकंसिडर करेगा वो चीज़ तो ओपन रखी गई है कि जैसे पहले होता था बोर्ड एग्जाम में अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट से डिससेटिस्फाइड है तो वो हमेशा उसके लिए लिख सकता था कि हम इस सब्जेक्ट में और वो फिर उसको कंसिडर किया जाता था उसकी कॉपी फिर से चेक होती थी तो सिमिलरली अगर कहीं कोई इस तरह की प्रॉब्लम आई है तो पेपर्स तो हुए नहीं तो स्क्रूटनी होगी किस बात नहीं तो उसमें स्कूल से रिपोर्ट मांगी गई है प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी गई है कि आप उसके मार्क्स फिर से भेजिए और आप अपने इसके बारे में बच्चे के बारे में तो प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स से अच्छा कोई अपने बच्चों को नहीं जानता है कि अगर हमको लगता है कि ये बच्चा हमारा बेस्ट था और इसका नहीं आया वैसा मार्क्स तो हम लोग अपनी रिपोर्ट उस पर लिख सकते हैं एक तो आपका ये पॉइंट हो गया नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब इनका 5 साल बाद क्या होगा ये तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं ये अनसर्टेनिटी और एक उदासीनता इन बच्चों में ज़रूर है उत्साह की कमी ज़रूर है क्योंकि स्पेशली हम जैसे किसी से डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट्सएप मैसेजेस ही आ गए कि अरे ये तो कोरोना काल के बच्चे हैं जी। तो वो एक बहुत आई थिंक बच्चों को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर रही हैं ये चीज़ें बट इसके लिए भी जितने भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं या जो आगे ग्रेजुएशन के लिए भी जो बच्चे जाते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ अपना एक एग्ज़ाम होल्ड कर सकती हैं जहाँ पर वो इक्वल वेटेज दे दें या अपना एक परसेंटेज तय कर लें जिसमें कि वो कहें कि अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हायर लेवल पे वो अपना एक मेरिट लिस्ट तैयार करें जिसमें उनका एक एग्जामिनेशन भी हो और एक परसेंटेज तय कर लें कि हमने बोर्ड के इतने मार्क्स इसके लिए साथ ही वो हो सकता है कि मतलब जैसे 11th में बच्चे ने अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने वो मार्क्स भी कंसिडर कर लिए जो हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल और बाकी जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो तो वैसे भी अपना उस एग्ज़ाम पे ही बेस करते हैं कि बच्चे ने उसमें कैसा परफॉर्म किया मैम एक और स्टूडेंट है दृष्टांत सिंगर ये गुरुकुल एकेडमी लखनऊ से हैं हाय आई एम दृष्टांत सिंह सिंगर आई हैव जस्ट क्लियर्ड माय ISE एग्जामिनेशंस फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बट आई एम नॉट सैटिस्फाइड बाय माय रिजल्ट आई वांटेड टू नो दैट इफ आई गो इन फॉर अ रिकंसिडरेशन वुडंट इट बी टू लेट बाय द टाइम दैट आई गेट माय रिजल्ट फॉर अ रीचेक इज आई हैव टू अप्लाई फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस एंड आई ऑल्सो हैव टू अपीयर बिफोर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर एयरफोर्स थैंक यू इनका प्रश्न ये है इन्होंने ISE का एग्जाम दिया है और ये कह रहे हैं कि जब तक हम अपने इसका स्क्रूटनी पे देंगे जैसे मैं अभी कह ही रहा था शायद हम लोग इस बात पर थे कि उनके पास क्या इतना टाइम रहेगा क्योंकि अब नीट जी सारे एग्जाम्स एक के बाद एक निकलता जा रहा है तो उनके पास क्या टाइम रहेगा कि अब उनको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा जो भी है वी हैव टू बी हैप्पी विद इट आई थिंक अब वो टाइम का तो कंस्ट्रेंट है ही है और बोर्ड जबकि बोर्ड ने कहा हुआ है कि वो इमीडिएट एक्शन इन सब चीज़ों पे लेंगे पर फिर भी जो अब कमिंग एग्ज़ाम्स हैं वो तो उनको फ़िलहाल उसी के साथ देने पड़ेंगे जो मार्क्स हैं बट आई फील जब तक उनके रिजल्ट्स निकलेंगे तब तक यहाँ से भी कोई ना कोई जवाब आ ही जाएगा उसका और इतना टाइम तो बोर्ड नहीं लेते हैं कभी भी मैम एक और क्वेश्चन है ये आ रहा है नकुल पांडे जी नकुल पांडे पूछिए हेलो माय नेम इज नकुल पांडे एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ द मॉडर्न स्कूल एंड आई रिसेंटली पास माय क्लास 10 एग्जामिनेशन विद 84% एंड टुडे माय क्वेश्चन इज दैट राइट नाउ आई एम टेकिंग नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस एंड इफ आई परस्यू डिस्टेंस एजुकेशन देन वुड इट बी बेनिफिशियल फॉर मी एंड व्हाट विल बी द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन आई एम टेकिंग राइट नाउ एंड द डिस्टेंस एजुकेशन सो थैंक यू यस मैम यही चीज़ है अब देखिए बात आ गई बोर्ड्स पर कि जब
बोर्ड्स आईसीएसई सीबीएसई ऑलरेडी आईसीएसई के जो नंबर ऑफ स्कूल्स हैं आईएससी एंड आईसीएसई अगर मिला के देखें वो कंपैरेटिवली विद द सीबीएसई कम है. डू यू एग्री विद दैट? नॉट इन लखनऊ बट यस अदरवाइज. ओके अदरवाइज इट्स लेस. ओके फाइन. तो ये बात बिल्कुल मुझे तो लगता है कि बिल्कुल वाजिब है कि जब हम ये कहते हैं कि फिर एनआईएस जैसे बोर्ड्स जो कि ऑलरेडी डिस्टेंट लर्निंग कर रहे थे जब आज भाई ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज आर ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक द डिस्टेंट कोर्सेज. तो जब डिस्टेंट कोर्सेज ही ज्यादा प्रिवेलिंग क्यों ना हो जाए फिर तो इसका जो हमारा जो रेगुलर बोर्ड था उसका तो फिर इम्पोर्टेंस ही फिर खत्म होता चला जा रहा है. देखिए इसमें यह है कि हम ये तभी हो सकता है जब हम ये मान लें कि अब स्कूल खुलने ही नहीं है. तो हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि अब हमेशा के लिए ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगे? right. तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि शायद बहुत जल्दी सारे स्कूल्स खुलेंगे और ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ की एसोसिएशन वर्क भी कर रही है इस पे कि स्कूल्स खुल जाएं. अगर तीसरी वेव बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आती है तो बहुत सारे पेरेंट्स का भी व्यू लिया गया है जो इस बात को मानते हैं कि हाँ बच्चों को स्कूल जाना चाहिए. बहुत समय हो गया घर बैठ के और घर बैठ के बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं बच्चों को. जहाँ तक बोर्ड का सवाल है आई डोंट थिंक ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि किसी भी बोर्ड की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि अब जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो जब पूरे नेशन के लिए एक पॉलिसी आ रही है तो कोई भी बोर्ड की अहमियत कम नहीं हो रही है. सिर्फ सिलेबस पूरे कंट्री के लिए एक हो रहा है विच मीन्स कि हर बोर्ड जब वही सिलेबस पढ़ाएगा तो ये कहीं ज़रूरत ही नहीं आएगी कि हाँ अब हम इस बोर्ड से. जैसे इनफैक्ट हम लोग अभी ये चीज़ फेस करते हैं कि हमारे बच्चे कहते हैं सीबीएसई के एग्ज़ाम्स ज़्यादा होते हैं इसलिए हम मतलब ज़्यादातर प्रोफेशनल एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट करता है इसलिए बच्चे 8th के बाद प्रेफर करते हैं कि वो सीबीएसई में शिफ्ट हो जाएं. बट वो नौबत अब नहीं आएगी क्योंकि अब तो विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे कंट्री को एक ही यूनिफॉर्म सिलेबस चलाना पड़ेगा. तो फिर तो बोर्ड केवल एक एग्जामिनिंग बॉडी तब भी था और अब भी रहेगा. उनका अपना कोई सिलेबस तो रहेगा नहीं. They'll have to follow the national education policy. मैम जैसे आपको आपने भी एनईपी के बारे में बात की तो इट लुक्स लाइक दैट आपने वाइडली एनईपी को आपने सपोर्ट किया एंड हमने एनईपी को एक्सेप्ट भी किया कि काफ़ी उनके पॉलिसीज रहे हैं लाइक नो बैग्स डे एंड दोज आर वेरी मच अडेप्टेबल. उसको हम लोग कर सकते हैं या फिर बच्चों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. बट फिर वही बात कोरोना के चलते ऑलरेडी इतने सारे चेंजेस हम लोगों ने सिस्टम पे थोप दिया है. ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशंस का कुछ पता नहीं है. उस वक्त हम एनईपी के तहत कुछ हम लोगों ने कर दिया सब्जेक्ट्स हम लोगों ने ओपन कर दिए हैं. अब सब्जेक्ट जो मिक्सिंग है वो भी किसी तरीके से अब इट इज अब वो जो पहले जो ट्रेंड था एक्सट्रीम हुआ करता था कि पूछ लेते थे मैथ स्ट्रीम है कि बायो स्ट्रीम है. अब स्ट्रीम वाली बात धीमे धीमे खत्म होती जाती है. आपको लगता है कि इतनी जल्दी और वो भी इन बंदिशों के साथ ये सिस्टम एक्सेप्ट कर पाएगा अडेप्ट कर पाएगा? इसमें ऐसा कुछ भी वी आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर इट क्योंकि हर स्कूल हर कॉलेज वो सब सब्जेक्ट्स पढ़ा ही रहा है जिसमें हम बच्चे को चॉइस दे रहे हैं. खाली जो एक एडिशन हुआ है वोकेशनल सब्जेक्ट्स का हुआ है जो कि इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है. देखिए नथिंग विल हैपन ओवरनाइट. हमको ये मान के चलना है कि कोई भी सिलेबस इंट्रोड्यूस होगा कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस होगा दैट विल बी वेरी ग्रेजुअल. और वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी आई थिंक सीबीएसई में भी है और आईसीएसई ने तो अपना एक अलग सेगमेंट बना रखा है जिसमें स्कूल्स ने ऑलरेडी इसको अडेप्ट कर रखा है कि वोकेशनल एजुकेशन. बट राइट नाउ दैट्स अ मैटर ऑफ चॉइस. अब जो होगा इट विल बी अ मैटर ऑफ कंपल्शन कि करना है मैंडेटरी हो जाएगा. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी गुड कि जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं और हम ज़बरदस्ती उन पे थोपते रहते हैं वो अब उनके पास ये ऑप्शन है कि उनके पास वाइडर चॉइस है. बहुत से बच्चे देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेते हैं मैथ्स नहीं कर पाते हैं और बायो भी इंटरेस्ट नहीं होता है बट उनके पास अब एक और सब्जेक्ट की चॉइस है कि वो कोई दूसरा सब्जेक्ट अपने मर्जी का लेके चल सकते हैं. इनफैक्ट हम लोग तो एज एजुकेशनिस्ट ये मानते हैं कि जो स्ट्रीम बाउंडेशन था वो शायद बहुत अच्छा नहीं था और वो बहुत ज़्यादा लेबल कर रहा था बच्चों को. अब वो लेबल हटेगा और बच्चा अपने आप को एज अ स्टूडेंट ऑफ सब्जेक्ट्स देखेगा नॉट एज अ स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रीम. क्योंकि अभी कहीं बहुत ज़्यादा एक स्टिग्मा इस बात का था कि अगर बच्चे ने साइंस नहीं पढ़ी तो शायद वो एक टॉप क्लास में नहीं आता है. तो वो सब चीज़ों को हम लोग अब तोड़ देंगे और ऐसा कुछ भी नया नहीं है जिसको अडेप्ट करने में किसी भी स्कूल को बहुत मुश्किल आएगी.
वन. सेकेंडली अगर हम ये बात कहें, हाँ एक चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है जो टीचर्स ट्रेनिंग वाला हमको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है एक एस्पेक्ट, जिसके लिए बहुत सारे सेमिनार्स करने पड़ेंगे. तो एज आई सेड कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है. सेकेंडली जो टेक्नोलॉजी दे ट्राइंग टू ब्रिंग इन, वो हम लोगों को गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांगली वर्क करना पड़ेगा उस पर, क्योंकि वहीं पर अभी भी हमारा थोड़ा फेलियर रहा है. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने व्यस्तता से इतना समय हमारे लिए निकाला और आपने करियर कोच शुभंकर भट्टाचार्य को इतना टाइम दिया. थैंक यू सो मच शुभंकर जी, आपका आपने मुझे मौका दिया और आपके प्राइम टीवी ने मुझे ये अवसर दिया कि हमारे जो मन की बातें हैं उनको हम लोगों तक पहुंचा सकें. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मिसेस कल्पना सिंह से और हमने जाना आईसीएसई और आईएससी के बोर्ड्स के जो एग्जामिनेशन हुए उसके प्रति जो बच्चों के जो जो डाउट्स थे, जो उनकी जो डर था, वो डॉक्टर कल्पना सिंह जी ने कई हद तक उसको हटाने में हमारी मदद की. तो देखते रहिएगा करियर कोच विद शुभंकर भट्टाचार्य ऑन प्राइम टीवी. हेलो एवरीवन, heartiest congratulations to all the ICSC and ISC students. मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार सबसे टॉप स्कोरर फ्रॉम ICSC इज 99.76% एंड ISC इज 99.98%. बोर्ड परीक्षा पास करने वाले सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई. तो अब समय आ गया है अपना करियर डिसाइड करने के लिए. देखते रहिए करियर काउच विद शुभंकर भट्टाचार्य और अपने फीडबैक्स देते रहिए नीचे दिए गए नंबर्स और ईमेल आईडी पे. तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे ऑन प्राइम टीवी करियर काउच विद शुभंकर भट्टाचार्य.